प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं 4 बजे की 4 बड़ी खबरों की। काकोरी एक्शन की वर्षगांठ पर सीएम योगी काकोरी शहीद स्थल पहुंचे, जहां पर सीएम ने क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही देश के वीर शहीदों और शहीद सैनिकों के परिजनों को मंच पर सम्मानित किया। जानकारी के मुताबिक शहीद स्मारक को तिरंगे की कलर की रोशनी से दुल्हन की तरह सजाया गया था। और प्यारे बच्चों, आज काकोरी ट्रेन एक्शन की वर्षगांठ है। आज ही के दिन पर 1925 में काकोरी की इतिहास प्रसिद्ध घटना को अंजाम दिया गया था। देश के क्रांतिकारियों को विदेशी हुकूमतें रोक नहीं पाई। भारत की ताकत भारत की सामूहिकता है। 135 करोड़ की आबादी जब एक साथ बोलती है तो भारत दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में ही नहीं बल्कि लोकतंत्र की मां के रूप में भी दुनिया को प्रतिनिधित्व देते हुए, मार्गदर्शन करते हुए दिखाई देती है। तो भारत की सामूहिकता है और जब पूरा देश बुरी आबादी एक साथ बोलती है तो सभी उसे सुनते हैं और उसका काफी असर भी होता है। तो काकोरी एक्शन की आज वर्षगांठ मनाई जा रही है, जिसमें सीएम योगी काकोरी शहीद स्थल पहुंचे, जहां सीएम योगी ने क्रांतिकारियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करी। साथ ही साथ इस आजादी का महत्व भी बताया, किस मेहनत के बाद, कितनी बलिदान के बाद ये आजादी मिली है, इसका महत्व भी बताया। इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विभांशु, आज क्रांतिकारियों को, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए सीएम योगी ने कई बड़ी बातें कही, उनके बारे में पूरी जानकारी चाहेंगे। कौन कौन से मुख्य बातें कहते हुए नजर आए सीएम योगी? की वर्षगांठ पर आयोजित कार्यक्रम में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ काकोरी पहुंचे थे, जहां उनके साथ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और साथ ही साथ विधायक जय देवी समेत महेंद्र सिंह गए हुए थे। आपको बताएं कि वहां जाकर और आजादी से ठीक पहले जो एक क्रांति की अलख जगाने का काम हुआ था, जिसमें अंग्रेजों से जो अंग्रेजों की हथियार लदी हुई ट्रेन थी, जिसमें जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा लूट की गई थी, और इसे एक देखा जाए तो जब देश आजाद हो रहा था तो इस लूट को कहीं ना कहीं इससे पूरे जो क्रांतिकारी थे उनके अंदर में जोश भर गया था। साथ ही आज मुख्यमंत्री पहुंचकर उनकी जो शहीद थे उनकी शहादत को याद करते हुए और उनके बलिदान को याद करते हुए उन्हें नमन किया। साथ ही साथ आज के काकोरी एक्शन ट्रेन के मामले को लेकर उन्होंने डाक टिकट भी जारी किया। वहीं आपको बताएं कि उन्होंने आज कई बातों का जिक्र किया, जिसमें अगर बात करें तो महत्वपूर्ण बातों में कि महज 4,669 रुपए के लिए जो अंग्रेज थे वो 10 लाख रुपए खर्च करके और 4,669 रुपए की जो लूट हुई थी उसमें 10 लाख रुपए से ऊपर खर्च करके और क्रांतिकारियों को रोकथाम का प्रयास किया गया था। मगर ये पूरी तरह से देखा जाए तो आजादी से ठीक पहले हुआ था और आजादी के महज 6 दिन पहले काकोरी के अंदर में जो क्रांतिकारियों की तरफ से कार्रवाई की गई थी अंग्रेजी हुकूमत को लेकर, अंग्रेजी हुकूमत पर, इसको याद करते हुए तमाम शहादों को बोले और जो आजादी का खुला आसमान है इसको उन्होंने समर्पित किया कि कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी थे उनके द्वारा जो काकोरी में ट्रेन की लूट की गई और हथियार जो वहां से मिले इससे कहीं ना कहीं जो देश आजाद हुआ इसमें एक अहम योगदान काकोरी एक्शन जो ट्रेन हुआ था उसमें था। इन सब चीजों को याद करते हुए उन्होंने झांसी की रानी को याद किया, यानी कि रानी लक्ष्मीबाई को याद किया, साथ ही साथ मंगल पांडे को याद किया, तात्या टोपे को याद किया और तमाम जो माँ भारती के वीर सपूत थे जिनकी वजह से आज हम खुले आसमान को देख रहे हैं। तो इन लोगों को याद करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हमें इनके बलिदान को हमेशा याद रखना है और इनके जो देश के प्रति ने काम किया है उसको उन्होंने उसकी तारीफ की। साथ ही साथ आपको बताएं कि
25 साल का लक्ष्य भी दिखाया। साथ ही साथ उन्होंने मंच से लोगों से आग्रह किया कि जो 13 से 15 अगस्त तक जो हर घर तिरंगा के तहत उत्तर प्रदेश के अंदर में 4.5 करोड़, और वहीं अगर देश की बात की जाए तो देश के अंदर में 20 करोड़ का जो लक्ष्य रखा गया है उस इस मुहिम में सम्मिलित होने की बात कही गई। साथ ही आपको बताएं सिखा कि जो काकोरी के अंदर में आसपास के जो सेनानी थे, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उस वक्त के बचे हुए हैं उनकी पहचान करके उन्हें भी सम्मानित किया गया और डाक टिकट का आज आरंभ भी किया गया। जी विभाषु, आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, ऐसे में जो सरकार ने कई कार्यक्रम किए इसमें से एक का लक्ष्य ये भी है कि जो आज के युवा हैं इनको इस बारे में जानकारी दी जा सके कि कितनी शहादत के बाद ये आजादी मिली है। तमाम कार्यक्रम ऐसे चलाए जा रहे हैं और आज भी सीएम ने इस बात का जिक्र करा है। उन्होंने इस बात को भी कहा कि जो जनता है अगर उसकी एक आवाज होती है तो उसका काफी महत्व भी देखने को मिलता है, और इससे कितना फर्क पड़ेगा, आज के युवा कितनी इतिहास को जान पाएंगे जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जी बेशक, बिल्कुल सिखा, अगर बात की जाए तो जो आज का युवा है वो कहीं ना कहीं इससे वो भ्रमित हो चुका है। वो आजादी में जो लोग अपनी शहादत दिए हैं, बलिदान दिए हैं, तो मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया है कि उन वीर गाथाओं को आप पढ़े और जाने कि जिस खुले आसमान में आज हम जी रहे हैं और आज जो गुलामी की हुकूमत थी उससे हमारे जो क्रांतिकारी थे उनके अथक प्रयासों के बाद हमें खुला आसमान, आजाद आसमान देखने को मिला है। तो इसको देखते हुए मुख्यमंत्री ने आग्रह किया कि झंडा भी फहराए, साथ ही साथ जो क्रांतिकारी थे और जिनकी वीर गाथाओं को पढ़े, इससे उनके जीवन में कहीं ना कहीं उससे सफलता मिलेगी। साथ ही साथ जो क्रांतिकारी थे उनके लक्ष्य जो उन्होंने रखा, उस लक्ष्य को आखिरी जो ट्रेन लूट हुई से कहीं ना कहीं जो अगर देखे तो जो क्वीन विक्टोरिया थे उनकी तक ये बात पहुंची कि काकोरी के अंदर में क्रांतिकारियों ने हथियार से लदे ट्रेन को लूट लिया है और जिसमें बेशकीमती जो ईस्ट इंडिया कंपनी इनके संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया है। इससे कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की तरफ से कहा है कि इन कहानियों को, इन वीर गाथाओं को आज का जो युवा है वो पढ़े और जाने कि आखिर ये खुला आसमान, जो आजाद आसमान है, वो हमें कैसे मिला। और उनकी तरफ से आग्रह भी किया गया कि आप झंडा लगाएं, क्रांतिकारियों को अगर देखें तो क्रांतिकारियों के बारे में पढ़े, उनके बलिदान के बारे में पढ़े, साथ ही साथ जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे जिनके जो जिन्होंने देश की आजादी के लड़ाई लड़ी उनको सम्मानित करते हुए उसमें से कई सेनानी भावुक हो गए और उनका साफ तौर पे कहीं ना कहीं जो देखा जाए तो उनके बलिदान को मुख्यमंत्री ने सराहा और उनके नाम पर डाक टिकट जारी किया। वहीं अगर बात की जाए तो अब देखने वाली बात ये होगी कि जो सरकार की तरफ से लक्ष्य रखा गया है झंडा लगाने का, उसमें मुख्यमंत्री और तमाम मंत्री और तमाम लोगों के द्वारा तिरंगा यात्रा और तमाम आयोजन किए जा रहे हैं, तो उसमें मुख्यमंत्री के आग्रह के बाद क्या युवा इस पे ध्यान देते हैं, और जो तमाम संस्थानों को भी ये कहा गया है कि आप जो आजादी का अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं उसमें जो जो तमाम जो क्रांतिकारी थे उनकी जो शहादत हुई है और साथ ही साथ उनकी वीर गाथाओं को भी याद करके झंडा फहराए। जी जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ लखनऊ से संवाददाता विभाषु मणि त्रिपाठी जुड़े थे। आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर भाजपा के अमृत महोत्सव और हर घर तिरंगा अभियान के बाद अब समाजवादी पार्टी ने भी झंडा रोहण कार्यक्रम शुरू किया है। समाजवादी पार्टी क्रांति दिवस मना रही है। इसके तहत पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव कन्नौज की तिरवा तहसील के झउवा में गांव के सभी लोगों को राष्ट्रध्वज देकर पार्टी के हर घर तिरंगा फहराने और राष्ट्रध्वज तिरंगा अभियान की शुरुआत की है। इस दौरान पार्टी के तमाम नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। ये बीजेपी के लोग घर घर तिरंगा का नारा दे रहे थे। अगर आपको याद होगा एक नारा इन्होंने और भी दिया था घर घर जाने का। जब घर घर का नारा दिया था तो सरकार बन गई थी इनकी, लेकिन सरकार बनने के बाद बताओ गरीबों, आप लोग किसान भाइयों, यहाँ पर उपस्थित नौजवान साथियों, ये जो घर घर का नारा देने वाले लोग पिछले कई वर्षों से सरकार में हैं, बताओ आपका भाग्य कितना बदला है, आपका समय कितना बदला है। जिन्होंने घर घर नारा दिया आज तिरंगा पहुंचाना चाहते हैं,
जो इनकी पार्टी है, जिस पार्टी से ये पार्टी चलती है, उसने कभी भी भारत का झंडा नहीं लगाया। ये भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इनकी जो असली पार्टी है, जो असली पार्टी है, उसने कभी भारत का झंडा नहीं लगाया। और हमारे बुजुर्ग और हमारे गुरुजन जानते होंगे, इतिहास उठा करके देखिए, ये वही लोग हैं जो आज घर घर तिरंगा ले जाना चाहते हैं, जिन्होंने कभी तिरंगा का विरोध किया था। कन्नौज में अखिलेश यादव साफ तौर पर कहते आए कि बीजेपी राजनीतिक पार्टी है, लेकिन इन्होंने कभी तिरंगा नहीं फहराया। और इस खबर पे हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए संवाददाता राम ऋषि पांडे जुड़ चुके हैं कन्नौज से। राम ऋषि, जिस तरह से अखिलेश यादव ने आज तिरंगा अभियान चलाया है और भाजपा पे कटाक्ष करते हुए भी नजर आए हैं, इसका कैसा प्रभाव देखने को मिला और क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं अखिलेश यादव? जी बिल्कुल, आपको बता दें, वो लखनऊ से सीधे ठटिया कट पे उतरे थे, उसके बाद जो है झगुआ गांव पहुंचे थे। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर यात्रा को आगे बढ़ाया, वहां पर स्वतंत्रता संग्रामी सेनाओं को उनको झंडा वितरण किया। उसके बाद जो है उन्होंने कहा है कि भाजपा जो है इस तरीके के कर्तव्य करती रहती है और लोगों को भय में डाल देती है। जी, जिस तरह से बीजेपी हर घर तिरंगा अभियान चला रही है और सपा ने भी अब अपना कार्यक्रम शुरू कर दिया है, दोनों का मकसद एक है, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान और साथ ही साथ स्वतंत्रता दिवस मनाना, तो क्या लगता है जनता किसी भी रूप में मनाएगी इस बार हर घर तिरंगा लहराएगा? जी बिल्कुल, हर घर तिरंगा लहराएगा और लोगों के बीच बहुत जोश में लोग हैं, हर घर में तिरंगा लहरेगा। और अखिलेश यादव जो है उनका भी कहना है कि प्रत्येक घर में झंडा जो है 15 अगस्त को लहराया जाए, और उनके जो है आज कई कार्यक्रम लगे हैं, इसी को लेकर जाएंगे हर जगह, और जनपद में कम से कम 5 से 6 जगह कार्यक्रम लगा है, इसी को लेकर वो झंडा को वितरण करेंगे और लोगों को समझाएंगे कि 15 अगस्त को जो है झंडा लहराया जाए घर घर। जी, और क्या कुछ तैयारियां करते हुए नजर आ रहे सपा के कार्यकर्ता और नेता? कार्यकर्ता जो है आज अखिलेश जी ने सदस्यता ग्रहण कराई थी, लोगों में बहुत खुशी है, सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे, आला जो है पदाधिकारी भी मौजूद रहे थे और बड़े ही कार्यकर्ताओं में जोश देखने को मिला था। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ कन्नौज से संवाददाता राम ऋषि पांडे जुड़े थे। तो अखिलेश यादव ने भी अब अभियान चलाया है, समाजवादी पार्टी की तिरंगा यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, साथ ही साथ भाजपा पर कटाक्ष करते हुए तंज कसते हुए भी नजर आए अखिलेश यादव। रुक करते अगली खबर की तरफ, जहां एक तरफ तिरंगे के सम्मान में यात्राओं और रैलियों का आयोजन किया जा रहा है, तो वहीं बल्लभगढ़ के दशहरा मैदान में जहां तिरंगा फहराया जाता है, वहां प्रशासन की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए जा रहे हैं। कारण है वहां मौजूद गंदगी के बड़े बड़े ढेर, जिससे वहां रहने वाले स्थानीय लोगों को काफी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में जब ज्वाइंट कमिश्नर ने वहां का दौरा किया तो वहां फैली गंदगी देखकर नगर निगम को संज्ञान दिया, साथ ही जल्द से जल्द कूड़े के ढेर को हटाने को भी कहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का पहाड़ बना हुआ नजर आ रहा है इस मैदान में जहां ध्वजारोहण होता है। मैं आपको अवगत करवाना चाहता हूं, आज सुबह सुबह ही मैंने उस जगह का राउंड लिया है, जो कूड़ा पहले फैला हुआ था अब उसको समेट दिया गया है। उसके बाद जो कंसर्न एक्शन को और सैनिटरी इंस्पेक्टर है उसको मैसेज दे दिया गया है और ये बात माननीय कमिश्नर साहब से भी डिस्कस हो चुकी है। जी, तो इसमें हम जो है स्वतंत्रता दिवस है उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देंगे इस कूड़े की वजह से। यहाँ पर 15 अगस्त का आने वाला है, आज़ादी का यहाँ पर प्रोग्राम भी होता है दशहरा मैदान में, गंदगी के ढेर नज़र आ रहे हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, मोदी जी ने तो कहा था स्वच्छ भारत बनाएंगे, पर ये स्वच्छ भारत जी देखिए, शहर का जाना माना मैदान ही गंदा पड़ा है। शहर है जिसे दशहरा मैदान है, जहाँ पर 15 अगस्त को झंडा फहराया जाता है, सभी जनवरी सामने सिटी पार्क है, जो लोग वगैरह घूमते भी है, उसके ठीक सामने कचरा पड़ा हुआ है। वैसे तिरंगा
लगाने के आदेश दिए हैं, सरकार ने निर्देश दिए हैं, लोगों से आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा लगाया जाए और यहाँ पर तिरंगा फहराया जाएगा 15 अगस्त पर, और यहीं पर गंदगी के ढेर। देख लीजिए, स्वच्छ भारत है जी बीजेपी सरकार की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से कूड़े का पहाड़ लगा हुआ है, और सवाल ये भी उठता है कि इसका जिम्मेदार आखिर है तो है कौन। और इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़ चुके हैं। मनोज, जिस तरह से कूड़े का अंबार देखने को मिल रहा है, नगर निगम की बड़ी लापरवाही सामने आई है, लेकिन अगर बात करी जाए जिम्मेदार की, तो इसमें जिम्मेदार कौन है? क्या नगर निगम जिम्मेदार है, उनके अफसर की लापरवाही देखने को मिली है, या फिर जनता का भी इसमें सहयोग है? बता दें, फरीदाबाद में अभी 6 दिन बकाया हैं 15 अगस्त के, और 6 दिन के से पहले ही अगर बात की जाए दशहरा ग्राउंड, जिसमें झंडा फहराया जाएगा, जो गणमान्य जो लोग हैं वो मौके पे पहुंचेंगे, झंडा फहराने पहुंचेंगे, पर इस तरह जो गंदगी का अंबार है वो कहीं ना कहीं लाजमी है, और इससे 7 नगर निगम की जो पोल है वो कहीं ना कहीं खुलती हुई नजर आ रही है, क्योंकि गंदगी का अंबार है, वहां से लोगों को काफी दिक्कतें होती है, पर नगर निगम है अभी तक साफ सफाई का जो कोई जो मुहिम है वो कहीं नहीं चलाई गई, फरीदाबाद की नहीं, अन्य जो शहर है उनके जो चौराहे हैं वहां भी गंदगी का जो अंबार लगातार बना रहता है। जी, स्थानीय लोगों को और किन किन दिक्कतों का सामना हो रहा है, क्योंकि बरसात भी है और ऐसे में यहाँ पे कूड़े का ढेर लगा हुआ है, क्या स्थानीय लोगों ने इस बारे में पहले शिकायत की है या नहीं? स्थानीय लोगों की तरफ से नगर निगम एमसीएफ में कंप्लेंट भी की जाती है, शिकायत भी दी जाती है, कहीं ना कहीं जो आला अधिकारी हैं वो शिकायतों के बाद भी इनकार कर देते हैं, और जो गंदगी का अंबार है बरसातों में ज़्यादा ही फैल जाता है, और जिसके चलते वहां पर बदबू उठने लगती है, जो आसपास से जो लोग निकलते हैं उनको भी काफ़ी जो परेशानी है वो झेलनी पड़ती है। जी, संक्रमण फैलने का खतरा भी रहता है, और ऐसे में ये गंदगी लगी हुई है, ये अंबार हम देख सकते हैं तस्वीरों में। अगर बात करी जाए मौजूदा वक्त की, तो क्या इसकी सफाई हो गई है, संज्ञान में लिया गया है इस मामले को, तो क्या लगता है कि सफाई होने के बाद क्या यहाँ पे फिर से कूड़े का अंबार लग जाएगा? 15 अगस्त को देखते हुए वहां पर तैयारी चल रही है, पर सफाई की अगर बात की जाए तो अभी कुछ गंदगी वहां मौजूद है, और उसी को लेकर जो अधिकारी की जो लेट रहते जो अधिकारी कर रहे हैं उनको लेकर वहां पर जो कर्मचारी हैं जो समय पर अपनी ड्यूटी नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं लापरवाही उनकी साफ देखी जा सकती है, क्योंकि फरीदाबाद का जो बड़ा दशहरा ग्राउंड है और वहां पर जो झंडा 15 अगस्त वाले दिन फहराया जाएगा उसी को लेकर गंदगी बढ़ रही है, बीमारियां बढ़ सकती हैं, संक्रमित लोगों के लिए बढ़ सकता है, लोगों के लिए जो मुसीबत है वो कहीं ना कहीं बहुत बढ़ रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पर हमारे साथ फरीदाबाद से संवाददाता मनोज सूर्यवंशी जुड़े थे। जहां एक तरफ शासन द्वारा नौनिहालों को उच्च शिक्षा देने के लिए योजनाएं चलाई जा रही हैं, लेकिन प्रयागराज की तस्वीरें कुछ और ही बयां करती हुई नजर आ रही हैं। प्रयागराज के यमुना पार विकासखंड शंकरगढ़ में बच्चों के भविष्य के साथ इस हद तक खिलवाड़ किया जा रहा है कि तय समय से पहले ही विद्यालय में ताला लगा कर शिक्षक अपने घरों को चले जाते हैं। आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालयों के खुलने का समय दोपहर 2 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि शिक्षकों को कार्यालय के काम के लिए करीब 2:30 बजे तक स्कूल में रहना अनिवार्य है, लेकिन शंकरगढ़ विकासखंड के प्राथमिक विद्यालय 2 बजे से पहले ही बंद हो जाते हैं, वहां दरवाजों पर ताला लग जाता है। इस वक्त मैं प्रयागराज के यमुना पार विकास खंड शंकरगढ़ के अंतर्गत एक विद्यालय में हूं, और ये विद्यालय है अतरी समदरिया, ये प्राथमिक विद्यालय है, और अगर यहां बात की जाए समय की तो समय करीब 2 बजने वाले हैं। ध्यान से अगर नज़र आएगा आपको तो देखिए कि समय अभी 2 भी नहीं बजे हैं, और अगर सरकारी नियमों की बात की जाए तो सरकारी नियमों में विद्यालय के बंद होने का समय 2 बजे का रखा गया है, जबकि ये विद्यालय करीब 1/2 घंटे पहले ही बंद हो चुका है, और यहाँ पर विद्यालय में कोई भी शिक्षक या छात्र नहीं है। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो ये वह तस्वीरें हैं, प्रधानाध्यापक कक्ष है जो अभी 2 भी नहीं बजे हैं और इसमें ताला लटक रहा है। ऐसे जितने भी यहाँ पर विद्यालय के कक्ष हैं उनमें आप साफ तौर पर ये ताला लटकते हुए देख सकते हैं, और ये विद्यालय है प्राथमिक विद्यालय अतरी समदरिया शंकरगढ़ प्रयागराज। तो निश्चित रूप से ये जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर एक बड़ा सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं, कि एक तरफ जहां शासन उच्च शिक्षा की बातें करते हैं वहीं पर प्राथमिक विद्यालयों की जो तस्वीरें हैं साफ तौर पर बड़े सवालिया निशान को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज।
विद्यालय बंद करके शिक्षक भी अपने घर चले जाते हैं और किस तरह से नौ निहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। और इस खबर पे हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन पटेल जुड़ चुके हैं। पवन, जिस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो क्या इस पे अभी तक किसी ने संज्ञान लिया है, क्या इस पे किसी का ध्यान गया, या फिर प्राइम टीवी की टीम ने ही इस पर सबसे पहले ध्यान केंद्रित कर इस खबर को चलाया है? जी बिल्कुल शिखा, ये जो तस्वीर है बहुत ही महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए है कि देश के नौनिहालों की बातें इसमें हैं। अगर तस्वीरों की बात की जाए तो जिस समय प्राइम टीवी ने इस खबर को वहां पे अपने कैमरे में कैद किया है, उस समय अगर समय की बात की जाए तो करीब 1:45 बज रहे थे। जबकि सरकारी नियमों की बात की जाए तो 2 बजे तक स्कूल खुलने का समय है और जो शिक्षक है उनको करीब 2:30 बजे तक विद्यालय में बैठने के लिए कहा गया है, ताकि शिक्षक नौनिहालों को पढ़ाने के बाद अपने कार्यालय के काम को कर सके। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर पे वहां पर दिखा रही हैं कि देश के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अगर बात की जाए आला अधिकारियों की, तो अभी तक किसी भी आला अधिकारी ने इस पूरे मामले को संज्ञान नहीं लिया है। अगर संज्ञान नहीं लिया है तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा विषय और एक सोचने का विषय है और एक सवालिया निशान को भी खड़ा करता है कि आखिर देश के भविष्य के नौनिहालों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ आखिर क्यों। जी शिखा जी, तो जिस तरह से पवन, यहाँ विद्यालय जल्द ही बंद हो जाता है, बच्चों की छुट्टी जल्दी हो जाती है, तो क्या सिर्फ एक यही खामियां इस विद्यालय में देखने को मिल रही है या फिर और भी कई खामियां देखने को मिलती रही हैं इस विद्यालय में? चूंकि शिखा मौजूदा समय की बात की जाए तो जिस समय प्राइम टीवी ने अपने पूरे तस्वीर को कैमरे में कैद किया, उस समय पूरे विद्यालय परिसर में ना ही कोई शिक्षक ना ही कोई छात्र था। हालांकि अगर कमियों की बात की जाए तो अक्सर प्राथमिक विद्यालयों में इस तरह की कमियां देखने को मिलती है। कहीं उनको मध्याह्न भोजन नहीं मिलते हैं, कहीं बच्चों को ड्रेस नहीं मिलते हैं, कहीं पठन पाठन की प्रक्रिया है वो सही नहीं होती है। लेकिन इस समय जो मौजूदा तस्वीर की बात की जाए तो अगर 1:45 बजे विद्यालय बंद हो जाता है, जबकि 1:45 बजे प्राइम टीवी की टीम पहुंची है। अगर पहले की बात की जाए तो हो सकता है ये विद्यालय कुछ देर और पहले भी बंद हो चुका होगा, लेकिन जब वहां पर प्राइम टीवी की टीम पहुंची है तो 1:45 बजे का समय हो रहा था और विद्यालय बंद पड़ा था और बड़े बड़े ताले लटक रहे थे और वहां पे कोई शिक्षक नहीं था, वहां पे कोई छात्र नहीं था। ऐसे में वहां पे और भी तमाम तरह की खामियां भी देखने को मिलेंगी। चूंकि विद्यालय बंद था इसलिए वहां पर इस तरह की खामियां तो नहीं नजर आई, लेकिन एक बहुत बड़ा विषय है कि इस तरीके के नौनिहालों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है और कि इस पे कोई भी आला अधिकारी किसी तरह का संज्ञान नहीं ले रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है। जी शिखा जी, पवन, क्या विद्यालय के खुलने का जो निर्धारित समय है उसी पर विद्यालय खुलता है, क्या शिक्षक समय से आते हैं, इस बारे में कोई जानकारी? चूंकि उस समय अगर विद्यालय में कोई छात्र होता तो निश्चित रूप से इस बात पे भी चर्चा हो सकती थी, यह बात भी सामने आ सकती थी कि जो विद्यालय में शिक्षक आते हैं वो आने का भी समय उनका निर्धारित है कि नहीं, क्योंकि वहां पे कोई छात्र नहीं था। हाँ, हालांकि स्थानीय लोगों ने नाम न बताने की या अपनी पहचान छुपाने के लिए इन सब चीजों को बताना मुनासिब नहीं समझा। अक्सर देखा जाता है कि ऐसी चीजें लोगों के लिए वाद विवाद का कारण बनती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यही है कि अगर जब उनको जाने की जल्दी है तो निश्चित रूप से विद्यालय आने में भी शिक्षक देरी करते होंगे। अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो निश्चित रूप से एक बड़ा सवाल है और एक बड़ा सवालिया निशान भी है और ये पूरी तरीके से शिक्षा विभाग की नाकामी है और इस पे कोई नकारा नहीं जा सकता और एक बहुत बड़ी तस्वीर है और इसको निश्चित रूप से आला अधिकारी को संज्ञान लेना चाहिए। जी शिखा जी, बिल्कुल जांच का विषय है और पवन, आप भी इस खबर पे नजर बनाए रखिए और तमाम अपडेट देते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। इस खबर पे हमारे साथ प्रयागराज से संवाददाता पवन पटेल जुड़े थे। चार बजे की चार बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी।